आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर डी इज 10 टाइम्स द कोसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ आर इक्वल टू 46 देन द डिविडेंड विल बी। अब देखिए इसमें करते हैं हम, लेट डिवाइजर बी जी ऑफ एक्स डिवाइड कोसेंट, कोसेंट को हम क्या करते हैं क्यू ऑफ एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेंट को डिवाइडेंट बी, डिवाइडेंट को हम पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेंट बी पी ऑफ एक्स, और रिमाइंडर रिमाइंडर हमारे पास मान लेते हैं कि ये आर है, आर ऑफ एक्स होता है। हमारे पास एक रिजल्ट ये होता है, रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडेंट यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट दैट इज जी ऑफ एक्स इनटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर होता है ऐसा। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पे संबंध दिया हुआ है, कह रहा है कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोसेंट। तो डिवाइजर हमारे पास जी ऑफ एक्स है, ये 10 टाइम्स कोसेंट है, कोसेंट यानी क्यू ऑफ एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही जो आपके पास डिवाइजर है जी ऑफ एक्स, ये 5 टाइम्स रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारे पास आर ऑफ एक्स माना गया है। अच्छा ये गिवन है कि रिमाइंडर आर जो है 46 है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स आ जाएगा 5 इंटू, इसका वैल्यू 46 है तो इसको 46 रख देते हैं, तो जी ऑफ एक्स जो है ये निकल जाएगा आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 5 30, 0 रिमेनिंग 3, ये 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 3 तो 23, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास 230 आ गया। तो जी ऑफ एक्स 230 है तो यहाँ से हम क्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा 230 बाय 10 यानी 23, तो क्यू ऑफ एक्स आ गया 23। रिमाइंडर आर गिवन है, आर गिवन है हमारे पास कि आर 46 है, तो सबका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास ये आपके पास डिवाइडेंट जो है, देयरफॉर डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडेंट पी ऑफ एक्स हमने माना था, तो वो आ जाएगा जी ऑफ एक्स यानी 230 इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स 23 प्लस रिमाइंडर 46। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 23, इसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 203 और यहाँ से 23 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा ये 9 और ये यहाँ से आ जाएंगे 6। इसी तरह से यहाँ से अगर देखें इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0, 6 और 4, तो ये आ जाएगा 0, 9, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 रिमेनिंग 1, 4 प्लस 1 5, यानी इसका वैल्यू आ रहा है 9 यहाँ और ये 52 यानी 5290 प्लस का 46 जब करेंगे तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से ये आ जाएगा आपके पास 6, 9 प्लस 4 13, 13 2 रिमेनिंग 1, 1 प्लस 2 3 और ये आ जाएगा 5 यानी 5336। अगर ऑप्शन में देखें तो 5336 आपके ऑप्शन सी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।